माफी नहीं मांगी होगी चेयर को तब तक ये वापस लेने का संभव ही नहीं था। तो ये तो खुद आनंद शर्मा जी ने हाउस में रेज किया था 2010 का किस्सा। उन्होंने रूल्स और वर्किंग ऑफ राज्यसभा को कोट करके कहा, तब जाके हमने डिटेल्स निकाली। तो अब उसी के तहत हमने इन पांच पार्टीज को बुलाया। सर, वो कहते हैं कि आपसे बात नहीं करना चाहते, प्रधानमंत्री से बात करना चाहते, बिकॉज़ प्रधानमंत्री ना ऑल पार्टी मीटिंग में है ना उनसे बात करते। हमें तो ऐसा कुछ उन्होंने कहा नहीं। पीयूष, विपक्ष कह रहा है कि वो उनके बीच में फूट डालने के लिए इस तरीके से किया जा रहा है कि चार को पांच को बुलाया जा रहा है। मैंने अभी अभी बताया कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक प्रकार से स्वयं कहते हैं आई रिप्रेजेंट द होल ऑपोजिशन। ये अलग बात है कि अलग अलग दल हमें आके अलग से बताते हैं कि भाई ही डजंट रिप्रेजेंट अस, ही रिप्रेजेंट्स हिज पार्टी। ये भी और एक सत्य नया आया इस बार कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन से जब हम कुछ चर्चा करते हैं तो कोई क्लैरिटी से कोई विपक्ष के नेता के रूप में वो नहीं बोलते हैं, मुझे सबसे चर्चा करके फिर बात करनी पड़ेगी, फिर आते ही नहीं है बात करने। तो मैं समझता हूं कि जो पांच पार्टीज के सांसद सस्पेंड हुए थे उन पांचों नेताओं को बुलाया था, अब पांचों नेताओं ने चूज किया नहीं आने के लिए, उनकी मंशा और उनकी सोच इससे बड़ी स्पष्ट हो जाती। वैसे तो कांग्रेस के एक उच्च नेता ने पहले दिन ही कह दिया था कि हम माफी नहीं मांगेंगे, तो खुद ही ध्यान नहीं है उनको कि किस प्रकार से पार्लियामेंट्री सिस्टम्स चलते हैं, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस हैं, पहले क्या हुआ है। और मैं समझता हूँ एक बड़ा दिल दिखा के अगर उन्होंने इस विषय का समाधान ढूंढा होता तो हर एक विषय पर चर्चा भी होती, सार्थक चर्चा होती और विषयों का समाधान भी हो सकता। राहुल गांधी यहाँ कह के गए हैं कि सरकार चलाना विपक्ष की नहीं, सदन चलाना विपक्ष की नहीं, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी होती है। एक जिम्मेदार विपक्ष हो तो सदन चल सकता है, लेकिन अगर सदन में सभी मेंबर्स साथ में मिलके बैठ के बात करके समाधान करके हाउस नहीं चलाए तो हमारी जिम्मेदारी है तो उनको साथ में कोऑपरेट तो करना पड़ेगा। चेयर की डिग्निटी, सदन की डिग्निटी हमने नहीं बिगाड़ी है, हमारा कोई एक सदस्य कभी खड़ा नहीं हुआ है। तो जिसने गलती की है वो गलती भी स्वीकार ना करे और कहे कि नहीं अब आपकी जिम्मेदारी, आप उनको वापस ले लो बिना अपनी गलती का एहसास भी किए। तो मैं समझता हूँ पूरा देश देख रहा है किस प्रकार की गैर जिम्मेदारी से आज कांग्रेस और कांग्रेस के नेता सदन के कार्यवाही को चला। मेरे हिसाब से सदन में कार्रवाई में वो पार्टिसिपेट करें, जिन माननीय सदस्यों ने गलती की है वो उसका एहसास करके चेयर से बात करें और जो 2010 में हुआ उस हिसाब से अगर वो हाउस में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और चेयर के पास सभी माननीय सदस्य जो सस्पेंड हुए हैं वो जाके बात करें तो कुछ ना कुछ समाधान हो सकता है। भाई जब पुरानी सब परंपराएं भी ये दिखाती है, और आप भी बताइए, आप लोग भी विचार करिए कि आखिर जो चेयर का अपमान हुआ है, जो पूरे सदन का अपमान हुआ है और मैं समझता हूँ एक प्रकार से पूरे देश का अपमान हुआ, ऐसी परिस्थिति में ये क्या चाहते हैं वो कांग्रेस से भी इस पे विचार करना पड़ेगा। और मैं एक जरूर पढ़ना चाहूंगा, एक प्रश्न उठा था 2010 में जिसमें ये भी कहा गया था कि हम क्या मैसेज देश की युवा पीढ़ी को देना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत अहम प्रश्न 2010 के कार्रवाई में मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। चेयरमैन ने, उस समय के चेयरमैन ने 2010 में क्या कहा, चेयरमैन ने कहा द वॉलेटिलिटी ऑफ द हाउस ऑफ एल्डर्स इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, इफ दैट इज द मैसेज यू वॉन्ट टू सेंड आउट टू द यंगर जेनरेशन ऑफ इंडिया। ये उस समय के माननीय अध्यक्ष, उस समय के वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी जी ने सदन में कहा कि क्या आप युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहते हो, सो कॉल्ड हाउस ऑफ एल्डर्स इस प्रकार का बिहेवियर करें। और मैं फिर दोहरा दूं, बीजेपी का एक भी सांसद सस्पेंड नहीं हुआ था, सस्पेंडेड किए गए सांसद दूसरे विपक्षी दलों के थे, फिर भी हमारे नेता ने, जो विपक्ष के नेता थे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, स्वयं उठ के दो बार माफी मांगी पूरे विपक्ष के बिहाफ पे। कई विपक्षी दलों ने कहा हम ये माफी नहीं स्वीकार करते हैं, वो हम ये माफी के साथ अपने आप को जोड़ते नहीं है, तो भी माननीय अरुण जेटली जी ने बड़ा दिल दिखाया।
माफी मांगी, फिर कुछ सदन के सांसदों ने चेयर के पास जाके माफी मांगने के बाद उनको अंदर लिया गया, एक सदस्य आखिरी तक सस्पेंडेड, लेकिन सदन की कार्यवाही फिर भी रेगुलरली चलती रही। सदन की कार्यवाही आप देखें तो सस्पेंड होने के बावजूद सदन की कार्यवाही पूरे सेशन तक चलती रही। एक ही सेंटेंस में ऐड करना चाहता हूँ, 1962 से कहीं ना कहीं सस्पेंड मेंबर्स को सस्पेंड किया गया है। All right, the parliament impasse continues there. Remember, this is the issue of the 12 suspended MPs. And after the government called for a meeting of five opposition parties, the entire opposition was up in arms and they cried foul, citing that this is an attempt to divide and rule.